मैम आपका स्कूल एक सैपलिंग सब ट्री जैसा बन गया है, 3 पोजीशंस, डिस्टिंक्शंस, और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, हर साल मोंटेसरी का नाम बढ़ता ही जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले जो मेरे साथ स्टाफ मेंबर्स स्कूल में मेरे साथ काम कर रहे हैं और जो पेरेंट्स हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। कोविड के टाइम पे भी इतनी मुश्किलें सहने के बाद भी हमारे स्टाफ मेंबर्स ने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमें कोविड हो जाएगा और हम स्कूल ना आए। रेगुलर टेस्ट सीरीज़ परफॉर्म करवाते रहे बच्चों को, पेरेंट्स की तरफ से भी काफ़ी कोऑपरेशन रहा। तो सबसे पहले मैं अपने स्टाफ और पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करूंगी। जो हमारे साथ टीम एनरोल्ड है इस टाइम पे, बहुत एक्सपीरियंस स्टाफ मेंबर्स हैं, बच्चों को डाउट्स क्लियर करने में, जो हमारी मैनेजमेंट ने प्लान्स बनाए हुए हैं टेस्ट सीरीज़ को एग्जीक्यूट करने में, वो प्रॉपरली उनको उसको चैनलाइज करते हैं। अगर आपकी टीम अच्छी होती है तो कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं होती जिसको हम टफ समझें। टीम हमारी बहुत अच्छी है, कोऑपरेटिव है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स टाइमली हम करवाते हैं जिससे किसी भी स्टाफ मेंबर को ये नहीं लगता कि हम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। सब इसको एज ए फैमिली देखते हैं और फैमिली इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चों का ये जो टाइम है उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर सकें और बच्चे हमें बेस्ट रिजल्ट्स दे पाएँ, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये बहुत थोड़े टाइम के लिए हमारे पास होते हैं, ज़्यादा टाइम उनका पेरेंट्स के साथ निकलता है। तो जैसा हम उनको इनक्रेज करेंगे अच्छा सिटीज़न बनाने में, वैसे वो हमें हेल्प करेंगे आगे। एज ए डायरेक्टर मैम, एक सवाल आपसे मेरा रहेगा कि यूथ को आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप यूथ को तराश कर हीरा बनाते हैं, तो यूथ के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहे जो रेस्ट स्कूल के बच्चे भी सुनना चाहें। आप पहला मैसेज ये है कि अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना है और अपने आप को भी खुश रखना है ताकि हम एक बेटर वर्ल्ड बना पाएं। सो अभी हम हैं जेके मोंटेसरी स्कूल और ये फैकल्टी जिन्होंने इन बच्चों को अप टू डेट मार्क पहुंचाया, जहां से ये बच्चे पोजीशंस, डिस्टिंक्शंस और भी मेरिट नंबर्स ले पाए। तो सबसे पहले मैम आपका नाम? चरणप्रीत कौर, आई एम टीचिंग इंग्लिश टू देम एंड फॉर मी व्हाट इज़ माय एम टू मेक देम टू स्टैंड इन अ पोजीशन सो दैट दे कैन रिप्रेजेंट आवर स्कूल्स, नॉट इन आवर स्कूल बट इन आउटसाइड वर्ल्ड, एंड दैट इज़ वेरी नेसेसरी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वॉन्ट देम टू इनकल्केट डिसिप्लिन इन देम एंड फ्यूचरिस्टिक, दे आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड मे बी दे कैन होल्ड द India into their hands. So first of all I want to try to inculcate discipline in them, and secondly I am teaching them English and all the subjects they are coming before it, but first of all my basic thing is to inculcate discipline in them. Ankush, I am teaching them physics, from the last 6 years I am teaching here. तो बेसिकली जब बच्चों के साथ जुड़े थे तो इसलिए जुड़े थे कि बच्चों में कुछ नई चीज़ें डाली जाएंगी, कुछ अच्छी चीज़ें डाली जाएंगी, बट आस्ता आस्ता क्या हो गया, अब इनमें ही क्या हो गया, हम पूरे के पूरे अपना बचपन देखते हैं। तो अब जब तक मैं जो टीचिंग प्रोफेशन था, तो टीचिंग प्रोफेशन स्टार्ट करने का यही मकसद था कि जो भी हम अपने अंदर स्किल्स हैं वो इन बच्चों में उतार सकें ताकि ये भी स्किलफुल बन सकें, और इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं और कर रहे हैं, और होप्स हो कि आने वाले टाइम में वो बहुत अच्छे नागरिक बने, बहुत अच्छे सरकारी कर्मचारी बने, जिसके वजह से वो देश की सेवा कर सके। माय नेम इज़ राहुल डोगरा, मैं इनका अकाउंट्स का टीचर हूँ, कॉमर्स टीचर। तो इनको सबसे पहले हम इनके जो बेसिक्स वो क्लियर करते हैं, उसके साथ साथ इनको एक अच्छा स्टूडेंट बनाना चाहते हैं और बनाते भी हैं कि लाइफ में जो भी अचीवमेंट्स हैं ये अच्छे से अचीव करें, और स्कूल के बाद भी ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं, मतलब आगे फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हमसे पूछते रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, YouTube पे कौन कौन है? आपने क्या सब्जेक्ट्स लिए? तो आप कहाँ से हो? आपका पूरा नाम? सो आकाश, मोंटेसरी स्कूल की फैकल्टी का कितना रोल रहा तुम्हारे नंबर्स को आगे लाने में? सर बहुत ज़्यादा रहा, ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती थी, वहीं पे पढ़ते थे, फिर उसके बाद यूट्यूब से पढ़ना, उसी से ही सारा।
जो स्कूल का माहौल अगर देखा जाए तो मॉन्टेसरी स्कूल का माहौल कैसे लगा आपको? मॉन्टेसरी स्कूल का माहौल ऑफलाइन बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऑनलाइन भी अच्छा है, पर एक चीज़ होती है ना कि ऑफलाइन में आप टीचर से ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो, दैट्स द थिंग। पर ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा किया आप सपोर्ट। तो व्हाट यू थिंक फॉर फ्यूचर, क्या सब्जेक्ट्स लेना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? मैंने कॉमर्स लिया है और मेरे को CA बनना है। तो संध्या आपने क्या सब्जेक्ट्स लिए हैं? मतलब बहुत लिया हुआ है, तो मतलब मेरी क्लासमेट्स ही थे जिन्होंने लड़के को सपोर्ट किया कि हाँ तुझे ये लेना चाहिए वो लेना चाहिए। तो परसेंटेज के ऊपर भी मैटर करता होगा कि परसेंटेज है अच्छी, तो मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है तो मेरे को उसको भी साथ में लेके चलना था, और ये भी था कि लाइक एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए साथ में उसके। तो टीचर्स का कितना रोल रहता है आपकी स्टडीज में? उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था मेरे को, लाइक जैसे वो टेस्ट लेते हैं तो उनका तो रहता ही है साथ में, तो उन्होंने लाइक ऑनलाइन में भी बहुत सपोर्ट किया और ऑफलाइन में तो ऑफ कोर्स होता ही है। आपका नाम? तन्वी राणा। तो तन्वी, अभी कैसा लग रहा है कि 10th के एग्जाम्स के बाद अब आप 11th में क्या सब्जेक्ट्स लिए? नॉन मेडिकल लिए। तो क्या एम सोच के आपने नॉन मेडिकल चूज़ किया? इंजीनियरिंग करनी है। तो आपको नॉन मेडिकल चूज़ करने के लिए, मतलब सीधी सी बात है, जब आप 10th से 11th में आते हो सबसे पहले यही कन्फ्यूजन होता है कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, किसने हेल्प की, गाइडेंस किसने दी? ओके। और 10th के जो आपके एग्जाम्स हुए हैं उसमें इतना अच्छा रिजल्ट आने के लिए टीचर्स ने किस तरह से हेल्प की आपकी? ओके। सो क्या नाम है आपका? अनन्या। तो अनन्या कितने परसेंटेज चाहिए? 93%। तो खुश हो? यस। तो मिठाइयाँ लेके आए हो हैं? जी। तो आगे का क्या प्लान है? आगे अब आज रखे तो देखते हैं आगे सिविल सर्विसेज का है कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेंगे। तो आपका नाम क्या सर? केशव। तो केशव, व्हाट्स योर प्लान? एयरफोर्स के लिए सोचा। एयरफोर्स के लिए सोचो, परसेंटेज क्या है? 93। तो सोचा कि नेक्स्ट टाइम उससे ज़्यादा लेना। तो आगे सब्जेक्ट्स? नॉन मेडिकल। तो कैसा लगता है यहाँ की फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट होना, या फैकल्टी ने कितना मदद किया आपको परसेंटेज लाने में? हर चीज़ में मदद की, हर चीज़ में। तो आपको लगता है कि कोई अगर वीक स्टूडेंट है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा मॉन्टेसरी में अगर ज्वाइन करेगा? बिल्कुल। तो जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनके साथ आपका कैसा रिलेशन रहता है? बहुत अच्छा। और सीनियर्स के साथ? सीनियर्स का भी बहुत अच्छा। थैंक यू। सो देयर इज अ न्यू किड इन दिस स्कूल, चलिए आप सर, आपका नाम? आशुतोष कोल। तो कोल साहब, कैसा लगा आपको मॉन्टेसरी को ज्वाइन करके? अच्छा स्कूल है, यहाँ टीचर्स भी बढ़िया हैं। तो रैगिंग वैगिंग ली 7 सालों ने? नहीं, रैगिंग तो अभी तो नहीं ली किसी ने। नहीं। मतलब यहाँ पे रैगिंग नहीं होती? नहीं, मेरे को तो नहीं लगती। नहीं लगता। और कैसा लगा माहौल टीचर्स के साथ इंटरेक्शन? टीचर्स तो काफ़ी अच्छे हैं, पूरा ऐसे सिखाते हैं, नोट्स वोट्स बनाते हैं। तो मतलब आप टीचर्स के बारे में ही जान के आपने मॉन्टेसरी ज्वाइन किया? एक तो ये भी था और मैं सुना था, मतलब अच्छा स्कूल है, ये वन ऑफ द बेस्ट रिप्यूटेड गिना जाता है इस वजह से। तो UPSC की तैयारी आप करना चाहते हैं? हाँ। तो अब ये बैक बेंचेस हमारे क्या सब्जेक्ट ज्वाइन कर रहे हैं दोनों? मैंने नॉन मेडिकल। मेडिकल तो दोस्ती टूटेगी नहीं दोनों की? नहीं, दोस्ती रहेगी। तो मॉन्टेसरी में आके कैसा लगा? मैं सेकंड से। अच्छा, तो दोस्ती भी पुरानी है मतलब? तो बैक बेंच ही पसंद है टीचर्स, मतलब पीछे तक ख्याल जाता है और जानते हैं तुम लोगों को, तो मतलब बैक बेंच का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। तो आगे फर्दर क्या सोचा हुआ है? डॉक्टर और आप इंजीनियर? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और फार्मेसी में करूँगा। फार्मेसी में करोगे, तो ये ज़्यादा नायाब चीज़ है, नहीं तो सारे MBBS ही बोलते हैं, फार्मेसी बड़े कम बोलते हैं। तो इट इज़ ए गुड स्ट्रीम फार्मेसी, आगे फ्यूचर भी है कहीं ना कहीं मेडिकल। और कैसा बॉन्ड रहा सीनियर्स के साथ, क्योंकि तुम तो फर्स्ट से हो बॉस, तो कैसा बॉन्ड रहा टीचर्स के साथ सीनियर्स के साथ? सारों के साथ रिश्ते हैं पुराने। मिस करोगे स्कूल जब? वो तो सारे सारे करते हैं। सत श्री अकाल। क्या क्या प्लान है? प्लान है बॉल जाने का। कनाडा? कनाडा। ये वो तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। टूरिस्ट की जगह जाएंगे, देखेंगे उधर रहेंगे, देखेंगे उधर का माहौल कैसा है। क्या नाम है आपका? माही शर्मा। ओके, नाइस नेम। तो माही कौन सी क्लास में अभी? 11th में। ओके, तो एग्ज़ाम्स के बाद अभी 11th में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।
तो सबसे बड़ी बात तो ये, हमने सुना है कि आप सिंगिंग भी बहुत अच्छी करते हो, दो लाइंस गा के सुनाओगे? आ गए आपके सिंगिंग स्किल्स, ठीक है, तो अब पढ़ाई में अभी क्या सब्जेक्ट्स लिए हैं ये बताओ? मैंने आर्ट्स लिया। तो आर्ट्स लेने के पीछे कोई स्पेशल वजह? एक्चुअली मेरे को प्रोफेसर बनना है। ओह, म्यूजिक की लाइन में ही बनना है। तो तभी आर्ट्स लिया। सो यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स म्यूजिक, यू लव इट? आई लव इट। ओके, सो थैंक्स फॉर टॉकिंग विद अस। कुशांगी से। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कुशांगी का? कुशांगी का मतलब इसके लिए इंस्पायरिंग। ओके, द वन हु इंस्पायर्स। तो आपने किस तरह से और किससे इंस्पिरेशन लेके इतने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं? अपनी मेहनत पे किया, बट इंस्पिरेशन लाइक अपने फ्रेंड्स को देखती रहती हूँ कि वो भी अच्छे नंबर लाते हैं, हमको भी लाने हैं। सारे घर पे भी मेरे ताऊ जी थे, डॉक्टर थे, उन्होंने भी अच्छे नंबर लाए थे जब उन्हें अपने 10th के पास एग्जाम्स किए थे, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अच्छा। कहीं ना कहीं फैमिली और फ्रेंड्स से आप इंस्पायर हुई हैं। ओके, तो अगर बात की जाए सब्जेक्ट्स की, तो आपने सब्जेक्ट्स क्या चूज़ किए? मैंने बहुत सब्जेक्ट चूज किए हैं, मेडिकल और नॉन मेडिकल। मेडिकल और नॉन मेडिकल। जब पिछले साल 10th का रिजल्ट आया था तो हमको लाइक था कि हम कैसे 10th में एग्जाम्स देंगे, बट बहुत सारे अच्छी पोजीशंस आई, अच्छे नंबर्स आए, तो उन्हें इंस्पायर किया कि हम भी अच्छे नंबर। और स्कूल में टीचर्स का मतलब किस तरह से आपका है, एक आपके साथ हेल्पफुल वे जो है वो रहता है? टीचर्स हमेशा हमको सपोर्ट करते हैं, अब हमको एग्जाम्स के बारे में क्वेश्चंस बताते हैं कि लाइक ये वाले अच्छे से कर लेना, ये वाले नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, तो बहुत अच्छी तरह। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती कि ये समझ नहीं आ रहा, तो हम उनसे पूछते हैं। एंड दे ऑलवेज आंसर यस। ओके, सक्षम शर्मा। तो सक्षम शर्मा कौन सी क्लास में हो? 12th। ओके, अभी आप 12th में हो, तो क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? मेरे नॉन मेडिकल। ओके, तो नॉन मेडिकल आपके सब्जेक्ट्स हैं, और आप लाइफ में क्या एम रखते हो? लाइफ में मैं रखता हूँ KS। तो आज हम मोंटेसरी की फैकल्टी के साथ हैं, इंग्लिश और सोशल साइंस की फैकल्टी। तो मैम आपका नाम? माय नेम इज सुतिंदर कौर। तो मैम कैसा सफ़र रहा ये बच्चों के साथ, जो इन्होंने 3 पोजीशंस, इतनी सारी डिस्टिंक्शंस, इतने अच्छे मार्क्स? आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ दीज स्टूडेंट्स। ये बहुत मेहनत भी की, इन बच्चों ने भी की मेहनत, इन्होंने ऑनलाइन में भी रेगुलर क्लासेस जो थी वो अटेंड की है, कोई कंप्लेन नहीं है हमें, कोई ऐसा इन बच्चों ने कभी कोई ऐसे मौका नहीं दिया कंप्लेन का कि ये एब्सेंट रहे हों कभी, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा किया, चाहे वो ऑनलाइन थी चाहे वो ऑफलाइन थी, दे डिड बेस्ट। मैम देखा गया पीछे के टाइम में कि कोरोना के दौरान सारे स्कूल्स की जहां फैकल्टी ऑनलाइन प्रेजेंस कम रख पाई, आपका तो न्यूज़पेपर में भी आया कि मोंटेसरी के जो टीचर्स हैं उन्होंने हमेशा स्टूडेंट्स के साथ, जिसको बोलते हैं आज के टाइम में पेसअप या कोपअप किया। जी, तो डिफिकल्ट था क्योंकि नेचुरली आपको क्लासेस की आदत थी ये ऑनलाइन और आईटी वाला। यू आर राइट सर, दैट थिंग वाज न्यू फॉर अस कि हमने जो ऑनलाइन ली, हर चीज़ हमारे लिए उस समय नई थी, चाहे वो टीचर है चाहे वो स्टूडेंट है, हर एक के लिए बहुत नई थी, बट बच्चों ने भी कॉपरेट किया, पेरेंट्स ने भी बहुत कॉपरेट किया टीचर्स के साथ। तो मैम इनको डिसिप्लिन चैप्स बनाए रखने के लिए आप कैसे उनको डिसिप्लिन चैप्स बनाए रखते हैं? सर एक टीचर का एक डर होता है बच्चों को, ये नहीं होता है कि टीचर मारेगा या डांटेगा, एक टीचर का बोलना, एक टीचर जो उनको गाइड कर रहा है, वो चीज़ें जो होती हैं वो बहुत मैटर करती हैं बच्चों के लिए। तो वो एक मे बी यू कैन से दैट कि वो डर था या कुछ था, उनको था कि 10th है हमें सुनना है, बट आर टीचर स्पीकिंग व्हाट दे आर सेइंग। तो आई थिंक तो हिस्ट्री का तो काफ़ी रोल रहता है, सिविक्स वगैरह सारा, तो सारा तो एक अलग सा भी सब्जेक्ट है टफ टू। एक्चुअली 5 सब्जेक्ट आ जाते हैं अगर हम ऐसे देखेंगे, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी,
पॉल साइंस आ जाता है, इकोनॉमिक्स, इवन देन के डिज़ास्टर, इसमें प्रोजेक्ट वर्क भी करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चे जो होते हैं कि इस सब्जेक्ट से थोड़ा सा मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा उनको डर भी जैसा डर जैसा होता है, बिल्कुल, लेकिन जब आराम से उनको किसी चीज़ को समझाए तो मुझे लगता है वो अच्छी तरीके से कर पाते हैं। मैम एक चीज़ लेकिन देखने में आते हैं मोंटेसरी के बारे में बार बार सुनने भी में भी आती है कि जैसे CBSE स्कूल का एक स्टैंडर्ड माना जाता था पुराने टाइम में, जब से मोंटेसरी बना उसने ये स्टैंडर्ड एक टक्कर आप बोल सकते हैं राइवलरी या कंपटीशन बना के रखा हुआ है मार्केट में, इस बात से आप कितने सहमत? तो बच्चे का ये होता है कि बच्चे में सबसे ये है कि उनको पता होता है कि हमने क्या करना है, कंपटीशन तो होता ही है, बच्चे का आपस में भी अगर आज अपने फैमिली में भी देखोगे तो बच्चे आपस में भाई बहनों के बीच में भी होता है कि मैंने ज़्यादा लाना है, इवन कि मैंने पीछे एक हमारे इधर की जो अभी रिसेंटली रिजल्ट निकला तो एक बच्चे ने मुझे बड़े शान से कहा कि मैंने अपनी सिस्टर से ज़्यादा नंबर लाए, तो ये चीज़ होता है कि ये नहीं हम कहेंगे कि होता तो है कंपटीशन तो होता है, ये है कि जिससे जब से सिलेबस हम कहेंगे कि CBSE का या स्टेट बोर्ड का एक जैसा सिलेबस है, अब तो वो चीज़ ही नहीं रही कि हम कहेंगे कि CBSE का बच्चा है स्टेट बोर्ड का बच्चा है, वो चीज़ ही नहीं रही क्योंकि दोनों का सेम ही है, सिलेबस सेम है, पेपर्स का मुझे लगता है पैटर्न भी अब सेम ही आ जाता है, ऑलमोस्ट हम कहेंगे कि सेम ही, इस वजह से जो पहले वाला था कि CBSE स्टेट बोर्ड के बच्चे को कहते इसको कुछ पता नहीं होगा तो CBSE बिल्कुल CBSE वाले धक्का बोलते थे स्टेट बोर्ड को, सारे ऐसे मैंने अगर हम यूट्यूब पे भी देखेंगे तो वो कह रहे थे कि ये स्टेट बोर्ड का तो ये है, yes, तो थोड़ा बहुत मैं कहती हूँ वो चीज़ जो है वो अब चीज़ नहीं रही, स्टेट बोर्ड भी अपने उस लेवल पे है ऑन द टॉप है वो भी, क्योंकि दोनों का सेम है, मैम मोंटेसरी का देखा गया कि जो पुराने राइवल्स हैं उनको कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि एक तो एजुकेशन सिस्टम बिल्डिंग्स का बात कर लें या जो भी चीज़ है एक सिस्टमेटिक वे का देखने को मिलता है जिससे कि कहीं ना कहीं रिजल्ट बता ही देता है कि टॉप थ्री अगर मोंटेसरी से हैं तो नेचुरली आगे और वो बच्चे अच्छा करेंगे। वो तो है CBSE का ये था कि पहले तो हम ये नहीं ना कहेंगे कि CBSE था, CBSE का तो फिर रिसेंटली हम कहेंगे कि कुछ ही सालों 78 में बिल्कुल, अगर कोई स्कूल जो पुराना स्कूल है तो उसी के हिसाब से उसके बिल्डिंग या जो हम कहेंगे तो वो नहीं मैटर करता था, मैटर करता है कि वहाँ के फैकल्टी मेम्बर्स कैसे वो कैसे कर रहे हैं, बच्चा कैसे कर रहा है, सारी जो फैसिलिटीज़ है वो तो स्टेट बोर्ड भी प्रोवाइड करता है। मैं जहाँ तक मैंने भी अपने बच्चे मेरे भी बच्चे हैं तो मैंने देखा कि CBSE में मेरा बच्चा पढ़ा है लेकिन मुझे घर जाके उसको फिर से समझाना पड़ता है कि जो चीज़ क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ होती है जितना हम करते हैं स्टेट बोर्ड की जितना वो करते हैं जितनी बारीकी से वो उनको समझाते हैं मुझे नहीं लगता है कि CBSE वाले उतना बच्चे पे वो ये होता है कि ऑलमोस्ट उनको खुद ही करना पड़ता है ज़्यादातर, लेकिन स्टेट बोर्ड में ये हम उनको ये नहीं हम कहेंगे कि हम उनको कहेंगे कि ए भी लिखो आप तो बी भी हम ही आपको समझाएंगे, लेकिन हम उस हिसाब से चलते हैं ताकि वो सब कुछ करे, उसको समझाते भी हैं हम, उसके ऊपर जो हमारा वर्क होता है या घर के लिए देते हैं या प्रोजेक्ट वर्क होता है वो सारा उसको एटलीस्ट समझाते ताकि बिल्कुल ईजिली वो सब कुछ कर सकें, तो आजकल हम कह नहीं सकते CBSE या स्टेट बोर्ड में कोई डिफरेंस है, तो दोनों हम कहेंगे कि एक ही तराजू में है अब। थैंक यू मैम।